अभी हम बेटियों की बातें सुन रहे थे, लड़कियों की बातें सुन रहे थे। तो एक दिन मैं अभी कथा में आपसे प्रार्थना कर रहा था कि आगे बढ़ाया जाता है लड़कों को और पर्वत पे चढ़ जाती हैं लड़कियां, पढ़ा रहे हैं लड़कों को, पढ़ जाती हैं लड़कियां। लेकिन हाँ, सच तो यह है कि घर का बालक अनमान मर्यादा के साथ अपनी माँ की, पिता की और परंपरा की सेवा में रहता है। हम पुत्रों के वंश का वर्णन सुनते हैं, पुत्रों की कथाएं सुनते हैं, उत्तानपात उनके पुत्र, उनकी पत्नी सुनीति, नीति पॉलिसी कोई, उसके बिना घर नहीं चलता, न व्यापार होता, न राजकाज होता, न युद्ध लड़ा जाता और न भजन होता। आपको क्या लगता है ये सन्यास बिना पॉलिसी के होगा? बिना नीति के सन्यास है? बिना नियम के, बिना मर्यादाओं के? अगर सन्यास में कोई नीति, नियम और मर्यादा ही नहीं है तो सन्यास शिथिल हो जाएगा। राजकाज के लिए नीतियां चाहिए, राजनीति, राज एक नीति चाहता है, गृह नीति, युद्ध नीति, एक पॉलिसी, एक रणनीति। युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? युद्ध के लड़ने के लिए नीति होती है, बैकअप प्लान क्या होगा, औषधियां कहाँ रखी जाएंगी, आयुध भंडार कहाँ होंगे, अस्त्र शस्त्र कहाँ होंगे, पहले कौन रहेगा, बीच में कौन रहेगा, आकस्मिकता आपातकाल में व्यूह रचना के काल में कहाँ कहाँ सैन्य टुकड़ियां रहेंगी। तो समर नीति का नाम है भाई, सामरिक नीतियां। समर माने युद्ध, युद्ध नीति से लड़ा जाता है, समर नीति युद्ध की एक नीति है। वैसे राजनीति, राज भी बिना नीति के तो नहीं होता, अर्थनीति, राजनीति, गृह नीति, उद्योग नीति, वैसे ही एक है परिवार नीति। जिस परिवार में कोई नीति नहीं है, जहां नियम ही नहीं है, जहां मर्यादाएं नहीं है, बहुत दिन तक परिवार नहीं चलता, बिखर जाता है। जहां अनुशासन नहीं है, गोपनीयता नहीं है, जहां माता पिता का आदर नहीं है, जहां परंपरा नहीं है, एक तरफा है, जहां सारा बस केवल बेटी में ही मोह है, केवल बेटे में ही मोह है, किसी एक में अटके हुए हैं आप, ये नीति नहीं कहते। एक जगह मत अटको, सब में रहिए, बराबर रहिए, वो घर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो किन्हीं माता पिता में एक जगह अटक देखी, एक ही जगह अटक कहते हैं। और फिर कुछ संतानें ऐसी हैं वो एक ही जगह अटकी हुई हैं, कुछ बहनें ऐसी हैं कहीं एक जगह अटकी हैं, कोई भाई ऐसे एक जगह अटके हुए हैं, जहाँ दान नहीं है, समाधान नहीं है, यज्ञ नहीं है, शास्त्र पर विचार नहीं है, सबका आदर नहीं है, सबके हिस्से बराबर के नहीं है, वो परिवार उसी समय टूट जाता है। क्योंकि बिना नीति के परिवार चल रहा है ना, परिवार में तो नीति चाहिए, नीति चाहती है भाग, नीति हिस्से चाहती है और बराबर के हिस्से चाहती है, और बराबर के हिस्से नहीं है। कई बार एक कमाता है चार खाते हैं, पर वो चार भी हैं कुछ तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबके अलग 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 भूमिकाएं, सबकी अलग अलग हैं। कोई धन कमा के लाएगा तो कोई घर को सहेजेगा, वहां के अनुशासन को संभालेगा, वहां की कठिनाइयों को, वहां की व्यवस्थाओं को। लेकिन ये सच है, नीति नहीं होगी तो घर नहीं चलेगा। नीति हिस्सा चाहती है, नीति का अर्थ ये हिस्से, उसमें समय का, अर्थ का प्रभाव चाहिए। तो किन्हीं किन्हीं में बड़ी ममता, वो तो दशरथ में बहुत थी, अपने पुत्र में। कहते हैं तीन दिन तक बालक भूखा प्यासा घूमता रहा जंगलों में, मधुसूदन, माधव, केशव, बनवारी, गिरधारी नहीं दिखाई दिए। लक्ष्मी ने बहुत बार कहा, नारायण जाइए, बालक मिलने आया आपसे, एक बार जाओ, प्रकट हो जाओ। उसकी पुकार, प्रार्थना, निश्चल अंतःकरण, उसकी भक्ति बड़ी प्रचंड है, एक बार तो जाइए। तो भगवान ने कहा, ना सकाम भक्त है, मुझसे नहीं मिलना चाहता, कुछ चाहता है मुझसे। तो लक्ष्मी ने कहा, भले ही सकाम भक्त है पर आप दर्शन तो दें। तो भगवान ने कहा, ना सकाम भक्त है तो कुछ चाहता है, भोग भाग्य ऐसी वस्तुएं, राजसत्ता, निष्कामता आने दो, थोड़ी अकामता आने दो। तो लक्ष्मी ने कहा, फिर उसमें निष्कामता है, अकामता है, कोई प्रबंध करो, आप उसे कम मिलेंगे, कोई ऐसा प्रबंध तो कीजिए।
और ऐसा मेरा मन कहता है कि जब परमात्मा जीवात्मा से मिलता होता और जब मिलना चाहता होता है, जब भगवान मिलना चाहते हैं भक्त से, जब जीवात्मा के जीवन में परमात्मा आना चाहता है, तब परमात्मा किसी महात्मा को भेज देते हैं। तो बिना महात्मा के परमात्मा नहीं मिलता। भगवान ने कहा ये मुझे मिल सके, मेरा बन सके, इसके लिए मैं संत भेज देता हूं। इसके जीवन में संत आ जाएगा तो भक्ति आएगी, वैराग्य आएगा, ज्ञान आएगा, निष्कामता आएगी। पर लक्ष्मी जी अड़ गईं, हठ में आ गईं और वो कहने लगी करो जल्दी करो, कुछ भी करो, आप जाएं या महात्मा जाए, जल्दी पहुंचाओ। तो कहते नारद जी आ गए। भगवान ने कहा नारद आप जाओ, अपना चेला बनाओ, इसे भक्ति जगाओ इसमें। तो नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है जो सब जगह वासुदेव के दर्शन करे। सब महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वमिति, सब जगह वही एक हैं। तो इस मंत्र का यह परिणाम है कि भगवान सर्वत्र हैं, वो दिखने लगते हैं इस मंत्र के प्रभाव से। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जागरण से भगवत प्राप्ति हो गई ध्रुव को। उन्होंने गुरु मंत्र मिल गया, गुरु ने तो कुछ कहा नहीं था। भक्ति की तीव्रता और साधन की तीव्रता के कारण उन्होंने अन्न त्याग दिया, फल से रहने लगे, फिर फल त्याग दिया पत्तियों से, फिर सूखी पत्तियों से, पांचवें महीने में जल पी के रहने लगे, छठे महीने में वायु से रहने लगे, जल भी त्याग दिया, और फिर छह महीने जब पूरे होने को थे तो उन्होंने कहा मैं वायु भी नहीं लूंगा, अब वायु को भी मैं रोक लेता हूं, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे मैं सांस भी नहीं लूंगा। वो प्यास और पैदा हो गई बड़ी। मैदादीनम आधारम मैदादीनम त्रैलोक्यस्य कंपिरे, जैसे सांस रोकी भक्त ने तो जैसे प्राणवायु रुक गई हो, सनकादिक की समाधि खुल गई, शिव एकदम नेत्र खोलकर देखने लगे, देवता चकित हो गए और भगवान अपने वाहन पर बैठकर भागे, अपने शंख से बालक के कपोल को स्पर्श किया और भगवत प्राप्ति हुई। इस प्रकार से कभी कभी मंत्र अपनी महिमा से हमारे जीवन में सिद्ध कारक बन जाते हैं। वो मंत्र ही महान हैं जिनका परिणाम परमात्मा का दर्शन है। वही धर्म धर्म है जिससे ईश्वर की सिद्धि हो। जो सांसारिक वस्तुओं को लेकर आए वो भी कोई साधन तो है, पर श्रेष्ठ साधन वही है जिससे भगवत प्राप्ति हो।